हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ फिजिक्स का जो हमारा पोर्शन है मोशन, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और वो हमारा पूरा न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी पर बेस्ड होगा। आप लोगों ने मेरा कॉन्सेप्ट, इसका थ्योरेटिकल जो फाउंडेशन क्लास है वो ज़रूर अटेंड किया होगा। यदि आपने अटेंड नहीं किया है तो सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल्स करने से पहले वो चैप्टर आपको कंप्लीट पढ़ना होगा जो मेरे वीडियो में मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। तो आज हम देखते हैं एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज के। तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन मेरे बोर्ड पर डिस्प्ले होगा, मैं यहाँ बुक से रीडिंग भी करता हूँ, आप क्वेश्चन रीड करिए। देखिए हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एन एथलीट कंप्लीट वन राउंड ऑफ है, आप बोर्ड से पढ़ लीजिए, ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकंड, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकंड। देखिए सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले, देखिए आप नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स हैं और आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल फर्स्ट टाइम आप स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए, तो कुछ चीज़ों पर आपको क्वेश्चन कराने से पहले कुछ मैं डिस्कस करूँ। फर्स्ट थिंग, सबसे पहले आपको स्टेटमेंट को अगेन एंड अगेन रीडिंग करना है। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट को समझना है कि क्वेश्चन के स्टेटमेंट में सेंस क्या है। इसके बाद आपको देखना है कि गिवन, कि आपको उसमें क्या गिवन है, फिर आपको देखना है कि क्या फाइंड करना है, और जब आपको पता चल जाए कि गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है, तो फिर आप उससे रिलेटेड फार्मूला पर उसको अप्लाई करेंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एन एथलीट कंप्लीट वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक। एक सर्कुलर ट्रैक है, सपोज हमने एक सर्कुलर ट्रैक ले लिया, ये इस सर्कुलर ट्रैक पर एक एथलीट क्या है, राउंड कर रहा है, और ये इसका डायमीटर है। सपोज ए बी इज डायमीटर, दिस इज सेंटर। अब एथलीट क्या करता है, यहां से राउंड राउंड वो मोशन करता है, डायमीटर 2 मीटर आपको गिवन है डायमीटर, डायमीटर मीन्स 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस इज 200 मीटर, मतलब यहां से यहां तक जो कि हमारे फिगर में क्या है ए बी डिस्टेंस है वो क्या है 2r है, दैट इंप्लाइज रेडियस कितना हो जाएगा 200/2, दैट इक्वल 100 मीटर। तो ये सबसे पहले हमने इसका गिवन लिखा कि क्या क्या हमको गिवन है, रेडियस गिवन है इसका 200 मीटर, ठीक है। आफ्टर दैट क्या बोलता है, 200 मीटर इन 40 सेकंड, वन राउंड कंप्लीट करता है 40 सेकंड में। देखिए जब यहां से राउंड करना, सपोज इस डायरेक्शन में वो मोशन स्टार्ट करता है, तो ये जब वन राउंड कंप्लीट करता है ये, तो टाइम टेकन है 40 सेकंड, क्लियर। टाइम टेकन, अब क्या गिवन है अपने को, टाइम टेकन इन वन राउंड इक्वल टू 40 सेकंड। वो क्या करता है, वन राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है, 40 सेकंड लेता है, क्लियर। फिर आगे हमको क्वेश्चन में दिया है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकंड, दैट मीन्स टाइम कितना दिया है, 2 मिनट्स प्लस 20 सेकंड, वो 2 मिनट 20 सेकंड तक राउंड करता है। यहाँ ध्यान दीजिए, वन राउंड कंप्लीट करने में 40 सेकंड लेता है, लेकिन टाइम टेकन कितना है, कितना टाइम लेता है, वो टाइम लेता है 2 मिनट 20 सेकंड। तो देखिए हमको दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट है इसको हम सेकंड बनाएंगे, तो 2 × 60, क्योंकि 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, प्लस 20 दैट इक्वल 120 प्लस 20 दैट इक्वल 240 सेकंड, दैट मीन्स वो कितना टाइम कंप्लीट कर टाइम लेता है, वो 140 ना, सॉरी ये कितना लेता है 140 सेकंड। देयरफॉर नंबर ऑफ राउंड अब अपन देखते हैं कितना राउंड कंप्लीट करता है। देखिए वन राउंड में 40 सेकंड लेता है वो, और टोटल कितना सेकंड वो राउंड कर रहा है 140, तो कैसे निकालेंगे अपन, ये हो जाएगा टोटल टाइम टेकन इन वन राउंड, दैट इज 40,
तो 140 में 40 आप डिवाइड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 140 अपॉन 40, ठीक है, 10 कैंसिल हो जाएगा, आइए 3.5 राउंड, दैट मीन्स 3.5, 3 राउंड कंप्लीट करता है और हाफ राउंड क्या करता है, वो हाफ राउंड करता है, 3 कंप्लीट एंड हाफ राउंड, 3.5 का मतलब होता है 3.5, क्लियर। अब आपको क्वेश्चन में आगे क्या पूछा गया, देखिए आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट। अब अपन देखते हैं कि डिस्टेंस कितना उसने कवर किया, डिस्टेंस इक्वल, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, देखिए जब वो 1 राउंड कंप्लीट करता है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल दैट इज 2πr, ये 2πr करेगा, डिस्टेंस 1, डिस्टेंस लिख लीजिए आप, डिस्टेंस इन 1 राउंड इक्वल टू 2πr, दैट इक्वल टू 2 × π का वैल्यू 22/7, एंड रेडियस इज, रेडियस कितना हमने लिया उसका 100 दिया हुआ है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद 628.57 आता है, 628.57 इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा इन 1 राउंड। लेकिन हमको पता है कि टोटल नंबर ऑफ राउंड कितना है, 3.5, एक राउंड जब कंप्लीट करता है तो 628.57 मीटर ट्रेवल करता है। तो अब यहां पर आप देखें, देयरफॉर टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 628.57 इंटू 3.5, क्यों, क्योंकि उसने कितना राउंड कंप्लीट किया, 3.5 राउंड कंप्लीट किया, तो 628.57 में 3.5 आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2200 आएगा मीटर, ये इसका आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा, क्लियर। इस तरह से जब वह कितना टाइम, 140 सेकंड, दैट मीन्स 2 मिनट एंड 20 सेकंड तक जब वो राउंड करेगा तो 220 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो फर्स्ट कैलकुलेशन इज डिस्टेंस एंड सेकंड इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखिए अब आपको पता है, यहां पर ध्यान दीजिए फिगर में, एक राउंड कंप्लीट करके जब वो रिटर्न अपने इनिशियल पोजीशन पर पहुंचेगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0, सेकंड राउंड में भी 0 हो जाएगा, थर्ड राउंड में भी 0 हो जाएगा, तो कितना राउंड मैंने यहां पर बताया है, 3.5, तो 3 राउंड में कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, उसके बाद क्या करेगा, हाफ, तो यहां से लेके यहां तक हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ राउंड, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए टू बी, दैट मीन्स डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा, 3.5 आवर में इसके इक्वल हो जाएगा डायमीटर, डायमीटर के इक्वल हो जाएगा, दैट इज कितना है, 200 मीटर, क्लियर। ये बात आपको क्लियर हुआ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में कितना होगा, 3.5 राउंड, तो 3 राउंड में तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, और हाफ राउंड में फिर यहां से बी तक पहुंचेगा और डिस्प्लेसमेंट ये होगा, ये डिस्टेंस होता है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, क्लियर। तो सेकंड आंसर इज 200 मीटर, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर टू, ये मैं इरेज करता हूं, अब देखिए क्वेश्चन नंबर टू, एक बार आपको स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना है, वैसे मैं अपने बोर्ड पर क्वेश्चन का स्टेटमेंट डिस्प्ले कर रहा हूं, या फिर आप अपने टेक्स्ट बुक के हेल्प से स्टेटमेंट रीडिंग कर सकते हैं। देखिए मैं यहां पर रीड करके बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर टू, या बोर्ड से डिस्प्ले स्टेटमेंट देखिए, मैं बुक से रीड करता हूं। क्वेश्चन नंबर टू का स्टेटमेंट है, जोसेफ जैक्स फ्रॉम वन इन A to the another and beat of a state 300 meter road in 2 minutes 30 seconds and then turn around
एंड जॉग्स 100 मीटर बेग 2.3, ठीक है, इन अदर 1 मीटर. व्हाट आर द जोसेफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी एंड सेकंड इज फ्रॉम ए टू सी. तो यहाँ पर देखिए, हम इसके लिए एक छोटा सा फिगर ड्रा कर लेते हैं. क्या है, फिजिक्स के किसी भी न्यूमेरिकल में यदि आप एक सिंबॉलिक फिगर ड्रा कर लेते हैं तो आपको उसको समझने में बहुत हेल्प मिलता है. ठीक है, तो जोसेफ क्या करता है, देखिए क्वेश्चन आप रीड करिए. ये है जॉगिंग का उसका पाथ ए टू बी. यहाँ गिवन है ए टू बी इज 300 मीटर. वो ए से स्टार्ट करता है और बी तक जाता है, और उसका डिस्टेंस कितना है, मैं यहीं पर इसको नोट डाउन कर देता हूँ, 300 मीटर. ये बी तक गया, फिर क्या करता है वो रिटर्न आता है. ये 100 मीटर ये वापस आता है, ये जाता है, फिर 100 मीटर वो रिटर्न आता है. सपोज ये सी पॉइंट है, क्लियर. तो यहाँ से बी सी, आप फिगर में देखिए बी सी कितना है, 100 मीटर है. देयर फॉर ए सी, इसे देखिए ए से सी तक के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 300 माइनस 100, दैट मीन्स 200 मीटर. ये आप ध्यान रखिए. तो जोसेफ क्या करता है, ए से बी तक जाता है, क्लियर, और फिर बी से सी तक वापस आता है, और ये ए से सी तक का डिस्टेंस 200 मीटर. अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए टू बी, जब ए से बी जाता है, ए टू बी टाइम टेकन, ए से बी तक जाने में कितना टाइम लेता है. तो क्वेश्चन में बोला गया है कि ए से बी तक जाने में वो 2 मिनट 30 सेकंड, 2 मिनट एंड 30 सेकंड, 2 मिनट, ठीक है, प्लस 30 सेकंड, इसको हम सेकंड में चेंज कर दें तो कितना हो जाएगा, 2 × 60 + 30, दैट मीन्स ये हो गया 120 + 30 = 150 सेकंड. तो यहाँ फिगर में आप देखिए, वो ए से बी तक जाता है कितने टाइम में, 150 सेकंड में. तो ए टू बी, अब सबसे पहले हम ए टू बी का कैलकुलेशन कर लेते हैं. ये हमारा फर्स्ट कैलकुलेशन है ए टू बी के लिए, उसके बाद अपन बी टू सी करेंगे, टू पार्ट में इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले ए टू बी, फिर बी टू सी. तो ए टू बी टाइम टेकन इतना हो गया, क्लियर. अब क्या करता है वो, बी टू सी, बी से सी तक वो वापस आता है, तो बी टू सी टाइम टेकन इज 1 मिनट. क्वेश्चन में दिया है 1 मिनट में यहाँ से यहाँ तक वो रिटर्न आ जाता है, तो टाइम कितना हो गया उसका, 60 सेकंड. देयरफॉर टोटल टाइम टेकन, तो कितना टोटल टाइम ले लिया उसने, 150 ए से बी तक जाने में और बी से सी तक वापस आने में 60 सेकंड. तो कितना हो जाएगा ये, 0 और 1 2, क्लियर, 210 सेकंड. तो इसने 150 जाने में लिया एक बार. मैं ए टू बी के लिए आपको कैलकुलेट कर देता हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, व्हाट आर जोसेफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग. तो आप स्पीड निकालेंगे जब, तो कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. दो पार्ट में क्वेश्चन दिया है फ्रॉम ए टू बी. चलिए ठीक है, मैं ए टू बी को ही पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये बाद में अपन देखेंगे. एवरेज स्पीड इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. तो टोटल डिस्टेंस कितना उसने ट्रेवल किया, 300, और टाइम कितना ले रहा है, 150 सेकंड, दैट इज कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड. यह हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड, यह तो बहुत आसान है. और एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ये दोनों में आप ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. तो अभी क्या किया है, वो ए से बी तक गया है, तो ए से बी तक गया, दैट मीन्स उसका डिस्टेंस भी 300 मीटर है, और ए से बी तक ही गया है, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी 300 है. तो ये सेम हो जाएगा,
300 अपॉन 150 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड इज इट्स एवरेज वेलोसिटी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो सेकंड पार्ट में आपको क्वेश्चन में पूछा है क्या ए टू सी क्लियर ए टू सी। अब यहां फिगर में आप देखिए यहां से यहां तक गया कितना टाइम लिया 150 सेकंड, फिर बी से सी तक वापस आया कितना टाइम लिया 1 मिनट देखिए 60 सेकंड। तो ए टू बी टोटल टाइम टेकन ए टू बी टोटल टाइम इज 150 प्लस 60 जो पहले निकाला था मैं इतना सेकंड ले लिया। अब यहां पर देखिए एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने ए से बी तक गया कितना मीटर 300 मीटर, बी से सी तक वापस आया कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 100 मीटर, मतलब 300 प्लस 100 ये हो जाएगा 300 जाने और 100 वापस आने और टाइम टेबल की टेकन कितना 210 तो ये हो जाएगा 400 अपॉन 210 दैट इक्वल 40 में 21 आप डिवाइड कर लीजिए ये आता है 1.9 मीटर पर सेकंड 1.9 मीटर पर सेकंड ये है इसका एवरेज स्पीड। अब आपको निकालना है एवरेज वेलोसिटी, यहां ध्यान देंगे अब हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है इसका ए से सी तक, ए से बी तक गया और बी से सी तक वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट होगा ए टू सी जो कि मैं यहां पर निकाल के रखा हूं कितना 200 मीटर क्लियर। तो यहां पर हो जाएगा 200 मीटर और अपॉन टाइम टेकन तो उतना ही होगा क्योंकि टाइम तो उसने उतना ही लिया तो 210 इक्वल टू आ जाएगा 0.95 मीटर पर सेकंड ये हो जाएगा उसका एवरेज वेलोसिटी। तो एक बात आप इस न्यूमेरिकल में ध्यान देंगे जब आपको स्पीड निकालना होगा तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम लेंगे आप और जब आपको वेलोसिटी निकालना होगा तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लेंगे। इसलिए यहाँ पर 300 और 100 ऐड हुआ है, यहाँ पर 300 में 100 माइनस हुआ है। ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर मैं एक बार लिख भी देता हूँ, ये हो जाएगा 300 माइनस 100 दैट मीन्स 200 दैट इक्वल 200 अपॉन 210 ऐसा लिख सकते हैं। तो इजी न्यूमेरिकल है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए क्लियर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट आप पढ़िए बुक से या तो अभी मेरे बोर्ड में डिस्प्ले होगा उससे आप रीड करिए। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 3, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट देयर इज लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल ट्रिप। देखिए यहाँ पर क्या है, अब्दुल क्या है अपने घर से स्कूल जाता है, ये सपोज उसका उसका घर है उसका हाउस है, ये बी उसका स्कूल है। अब ये जब जाता है सपोज भी वन वेलोसिटी है जाने का और वो जाता है 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से वो स्कूल जाता है, लेकिन आते समय क्वेश्चन में बोलता है कि लेस ट्रैफिक होता है ट्रैफिक कम होता है तो अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है और वो सपोज रिटर्न आता है V2 वो है 30 मीटर पर सेकेंड और इस तरह से ट्रिप कंप्लीट करता है।
ए से बी जब स्कूल जाता है तो 20 मीटर पर सेकंड से जाता है, और बी से ए जब घर वापस आता है तो अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है, 30 मीटर पर सेकंड कर लेता है। तो इस ट्रिप में वो टोटल मतलब उसका एवरेज स्पीड क्या होता है। तो देखिए बहुत अच्छा ट्रिक्स मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि जब भी ट्रिप करने का कोई भी क्वेश्चन होगा, मतलब किसी सर्टेन प्लेस में जाना और वहाँ से रिटर्न वापस आना, तो उस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी निकालने का फार्मूला होता है वी एवरेज इक्वल टू वी वन इंटू वी टू, ये फार्मूला आप लर्न कर लेंगे, और अपॉन वी वन प्लस वी टू, ये फार्मूला होता है। ये बहुत ईजी मेथड है। तो जाने का वेलोसिटी वी वन है और वापस आने का वेलोसिटी क्या है, वी टू है। यहाँ पर वैल्यू अपन पुट अप कर देते हैं, टू इंटू जाता है 20 से, आता है 30 से, और अपॉन 20 प्लस 30 दैट इक्वल, ये कितना हो जाएगा देखिए 1200, क्लियर, और अपॉन 50, इसको आप सॉल्व कर लीजिए कितना हो जाएगा 24 मीटर पर सेकेंड। ये बहुत आसान मेथड है, कभी भी ट्रिप मारने वाला क्वेश्चन इस तरह से आप बना सकते हैं, दो लाइन में बन जाएगा। और यदि आप इसको लेंदी मेथड से निकालेंगे तो सबसे पहले आपको टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी, फिर टाइम टेकन फ्रॉम बी टू ए, फिर टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, वो बहुत लेंदी मेथड होता है, बहुत आसान है। ये वाला फार्मूला आप लर्न कर लेंगे, ट्रिप करने वाले सभी क्वेश्चन में ये अप्लाई होगा, वी एवरेज इक्वल टू टू वी वन इंटू वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। आप देखिए बोर्ड पर क्वेश्चन फोर डिस्प्ले हो रहा है, आप उसको रीड करिए और मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन ए लेक स्लिड्स इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 8 सेकंड, हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए एक मोटर बोट है, वो स्टार्ट होता है रेस्ट से एंड स्ट्रेट इन स्ट्रेट लाइन एट ए कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड फॉर 8 सेकंड। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, क्या क्या गिवन है आपको क्वेश्चन नंबर में, क्वेश्चन नंबर फोर में गिवन है ए मोटर बोट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट होता है, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, क्लियर। कॉन्स्टेंट रेट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन हो जाएगा ये 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन हो गया। फिर आपको बोलता है फॉर 8 सेकंड टी इक्वल टू 8 सेकंड, ये गिवन है आपको। और फाइंड करने के लिए क्या बोलता है, फाइंड करने के लिए बोलता है हाउ डज फॉर द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, कितना दूर जाता है एस इक्वल टू। तो ये तो आपको पता है, देखिए कौन कौन सा इक्वेशन इसमें दिया, कौन कौन सा लगेगा, यू दिया है, ए दिया है, टी दिया है, एस इक्वल। तो अपन सेकंड इक्वेशन आप मोशन लगाते हैं इसमें, सेकंड इक्वेशन क्या, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दैट इंप्लाइज एस इक्वल टू यू का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है, ये जीरो हो गया, प्लस वन अपॉन टू, एक्सेलरेशन इज 3 मीटर पर सेकंड एंड द टाइम इज 8। बहुत आसान क्वेश्चन है, सेकंड इक्वेशन आप मोशन आपको लगाना है बस, s इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 8 दैट इक्वल टू, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 इंटू 3 दैट मीन्स 696 मीटर, ये आंसर इसका। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्लियर। अब आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन बताने से पहले आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, और इस क्वेश्चन को आपके लिए होमवर्क है, ये बोर्ड में डिस्प्ले हो रहा है क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आप करना और इसके आंसर आपको इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद इमीडिएट आपको इस क्वेश्चन को बनाना है, और इसका आंसर आप क्या है कमेंट्स बॉक्स में आप डालिए, तो मैं देखूंगा किसका इसमें आंसर सही है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ग्राफ है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, उसको कुछ बताने जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। इफ द वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विथ व्हाट वेलोसिटी फॉर द ग्राउंड आफ्टर व्हाट टाइम। देखिए आप रीड करिए स्टेटमेंट में, रिपोर्ट से आप रीड करिए। ये क्वेश्चन नंबर 7, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या करता है क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है, एक सर्टेन हाइट से, सपोज ये कोई हाइट है, यहाँ से हम किसी बाल को क्या करते हैं, ड्राप करते हैं, नीचे हम ड्राप करते हैं बाल को, और जब इसको हम यहाँ से ड्राप करते हैं तो मालूम है कि रेस्ट कंडीशन में है, जिसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने बाल को क्या है ऐसे पकड़ के रखा है, इसी तरह से हमने ड्राप किया उसको, तो बाल को ड्राप करने से इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है उसको दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये 10 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन से ये नीचे ग्राउंड में ड्राप हो रहा है, क्लियर। ये बाल हाइट ऑफ 20 मीटर, ये जो हाइट दिया है यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है वो कितना है 20 मीटर, ये 20 मीटर का हाइट है। जनरली न्यूमेरिकल्स में आप एक इमेजिनेशन करके आप एक डायग्राम आप ड्रा कर लेंगे तो आपको समझने में आसान होगा, इसलिए मैं हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ फिगर ड्रा कर रहा हूँ। देखिए तो ये बाल को हमने 20 मीटर के हाइट से ड्राप किया तो रेस्ट कंडीशन में है, इनिशियल वेलोसिटी क्या था, जीरो, एक्सेलरेशन ये है। अब वो पूछ रहा है फाइनल वेलोसिटी, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, जैसे वो क्या करता है ग्राउंड से आके जब टकराता है, व्हाट विल स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर व्हाट टाइम विल इट और टाइम, तो फाइंड क्या क्या करना है अपने को, वेलोसिटी एंड टाइम टेकन कि कितना टाइम में वो आके यहाँ पर ड्राप हुआ। तो देखिए आपके पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको आप कोरिलेट करिए कि आपको यू पता हो, ए पता हो और एच पता हो तो कौन सा आप इक्वेशन उसमें लगा सकते हैं, थर्ड इक्वेशन आप मोशन लगा सकते हैं, जिससे आपको क्या फाइंड हो जाएगा, वेलोसिटी फाइंड हो जाएगा, फाइंड हो ठीक है, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, दैट इंप्लाइज वी स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो प्लस टू इंटू एक्सेलरेशन इज 10 और इंटू एच, यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, एस मतलब हाइट है यहाँ पर, तो हाइट कितना दिया हुआ है हमको 20, दैट इंप्लाइज वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया ये 400, दैट इंप्लाइज स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे दोनों साइड की जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड मतलब जब वो बॉल ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा यहाँ पर टकराएगा तो उसका वेलोसिटी कितना होगा 20 मीटर पर सेकेंड होगा। और सेकेंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में निकल के आंसर ये, सेकेंड पार्ट में उसने क्या पूछा, टाइम टेकन मतलब जब ये बॉल यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप हुआ तो कितना टाइम उसको लगा, तो टाइम निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यदि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगा दें क्या, वी इक्वल टू यू प्लस 80, दैट इंप्लाइज फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड कर लिया 20 मीटर पर सेकंड, ये हो गया 20, इनिशियल इज 0 प्लस एक्सेलरेशन इज 10, टाइम हमको फाइंड करना है, दैट इंप्लाइज टाइम इक्वल टू 20 अपॉन 10, दैट इंप्लाइज टी इक्वल टू 2 सेकंड। इस तरह से 2 सेकंड, आफ्टर 2 सेकंड ये क्या हो जाएगा, ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7, बाकी तो 2 क्वेश्चन ग्राफ है उसे सॉल्व कर सकते हैं हम। ये इसके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए। इसके बाद एक क्वेश्चन है आपका, पेज नंबर 11 एनसीईआरटी बुक आप कंसल्ट करिए, तो पेज नंबर 110 का क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बता दूं मैं आपको, इसी तरह से रिलेटेड इसका जस्ट अपोजिट सेंस का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो, जो आपको एनसीईआरटी बुक के अंदर में, टेक्स्ट बुक के अंदर में दिया हुआ है। ये मैं रेफरेंस क्वेश्चन मैं डिस्प्ले कर देता हूं आपके बोर्ड पर, ठीक है, आप उसको रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 5 पेज 110,
या बुक्स अभी कंसल्ट कर लीजिए एनसीईआरटी के, या फिर यहाँ पर मैं बोर्ड में क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट मैं रीड करता हूँ, आप बोर्ड से पढ़िए और ध्यान से सुनिए। ए स्टोन इज थ्रोन इन ए वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विथ ए वेलोसिटी ऑफ 5 meters per second इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग द मोशन इज 10 meters per second इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, व्हाट विल बी द हाइट अटेंड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक्स टू रीच देयर। देखिए अभी जो क्वेश्चन मैंने, इस क्वेश्चन को स्पेशली इसलिए बता रहा हूँ मैं कि अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया उसका जस्ट अपोजिट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या है, ये ग्राउंड है, अब हमने यहाँ पर क्या किया है, एक स्टोन को अपवर्ड थ्रो किया है, ये सपोज एक स्टोन है, इसको हमने अपवर्ड थ्रो किया। अब अपवर्ड थ्रो किया तो ये कुछ सर्टेन हाइट तक गया, सपोज यहाँ तक गया ये, और जब ये मैक्सिमम हाइट तक जाएगा तो इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अपवर्ड थ्रो करते हैं तो मैक्सिमम हाइट में जाने के बाद ये, जैसे मैंने अपने चाप को थ्रो किया ये मैक्सिमम हाइट में गया, वो स्टॉप हो गया, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया, उसके बाद क्या होता है, वो डाउनवर्ड नीचे आता है। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी जीरो है। एक्सेलरेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 10 meters per second square, और डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो ये रिटार्डेशन होगा, दैट मीन्स हम इसको क्या लेंगे, माइनस लेंगे, क्योंकि हम बॉडी को थ्रो कर रहे हैं अपवर्ड और एक्सेलरेशन क्या है, डाउनवर्ड है, इसलिए यहाँ पर क्या लेंगे, -10। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिए, इनिशियल वेलोसिटी 5 meters per second, यहाँ जो इनिशियल वेलोसिटी जिससे हम उसको थ्रो कर रहे हैं वो है 5 meters per second, ये गिवन है। अब क्वेश्चन में पूछता है, सबसे पहले हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, हाइट, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है वो कहाँ तक हो गया, ये फर्स्ट, और सेकंड अपने को फाइंड करना है टाइम कि यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, क्लियर। तो सबसे पहले हम हाइट निकालने के लिए इसमें यूज करेंगे वही जो अभी मैं बताया अपने को, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, आप इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करिए। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, दैट इंप्लाइज फाइनल वेलोसिटी इज जीरो, इनिशियल इज 5, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2, a का वैल्यू -10, रिटार्डेशन है, और हाइट हमको फाइंड करना है, दैट इंप्लाइज ये हो जाएगा 0 = 25 - 20h, दैट इंप्लाइज 20h = 25, दैट इंप्लाइज h = 25/0। अब देखिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं तो दैट इंप्लाइज अपने को क्या मिलेगा, h = यहाँ 25 में अपन डिवाइड करें इसको तो 5 × 5 = 4, मतलब ये हो जाएगा 5/4, दैट इक्वल 1.25, क्लियर मीटर, ये हमने निकाल लिया क्या इसका हाइट कि 2.5 मीटर हाइट तक ये जाएगा और यहाँ जाके वो रुक जाएगा। सेकंड पार्ट इज टाइम टेकन, कि टाइम कितना लेता है, वो कैलकुलेशन ऑफ टाइम सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो हाईएस्ट पोजीशन तक जाने में कितना टाइम लेगा। यहाँ पर हम लगाते हैं क्या, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, वी इक्वल यू प्लस एटी, दैट इंप्लाइज फाइनल वेलोसिटी इज जीरो, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है अपने को कितना 5, और प्लस एक्सेलरेशन इज -10 क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन है, और टाइम निकालना है तो टाइम को हमने टी ले लिया, दैट इंप्लाइज 0 = 5 - 10t, दैट इंप्लाइज 10t = 5, दैट इंप्लाइज t = 5/10 = 0.5 सेकंड। तो यहाँ से क्या आंसर अपने को मिला कि ये बॉडी जब अपवर्ड थ्रो करेंगे तो हाईएस्ट पोजीशन में पहुंचने में कितना टाइम लेगा, 0.5 सेकंड लेगा। सपोज इसी क्वेश्चन में आपको पूछा होता
कि वो अगेन जब ड्रॉप हो यहाँ पर पहुँचने के बाद नीचे दोबारा गिरे तो कितने टाइम में आएगा, तो ध्यान रखना इतना ही टाइम लगेगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी पार्टिकल को जब हम अपवर्ड थ्रो करते हैं तो जितने टाइम में वो हाईएस्ट पॉइंट में जाता है उतने ही टाइम में वो क्या होता है अगेन ग्राउंड पर ड्रॉप होता है। दैट मीन्स टोटल टाइम टेकन कितना हो जाता है 0.5 + 0.5, दैट मीन्स 1 सेकेंड। क्लियर। इस तरह से ये न्यूमेरिकल हमारा एनसीईआरटी का कंप्लीट हुआ। तो देखिए आप लोग का न्यूमेरिकल्स का पहला क्लास है, मेरा आपको सजेशन है कि न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, फार्मूले प्रिपेयर होना चाहिए। इसके बाद जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो अगेन एंड अगेन आप क्या है उसके स्टेटमेंट को पढ़िए और दो चीज़ ध्यान दीजिए कि आपको गिवन क्या है और आपको फाइंड क्या करना है, फिर उसके बाद आपको उससे रिलेटेड फार्मूले में आप उसको पुट अप कर दीजिए। तो आप न्यूमेरिकल्स के लिए अभी 9th क्लास से ही आप इंटरेस्ट पैदा कीजिए, तो कहीं जाके आप 11th, 12th क्लास में यदि आपका IIT, JEE, NEET वगैरह आपका टारगेट है तो आप अच्छे से कर पाएंगे। आप न्यूमेरिकल से फिजिक्स के भागिए मत, अदरवाइज 9th, 10th क्लास में स्टूडेंट जब न्यूमेरिकल्स ढंग से नहीं करते तो बाद में उनको 11th, 12th क्लास में बहुत प्रॉब्लम होता है। ओके, थैंक यू।